लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल, हमारे भारत देश का इतिहास ज्ञान विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास, शौर्य आध्यात्म और कलाकारी से छलकता इतिहास, अंग्रेजी हुकूमत ने देश को बेड़ियां पहनाई, एक हुए सब दीवाने देश के, आजादी की अलख जगाई, लाठी ऐनक वाले ने सत्याग्रह अनोखा छेड़ा, अनगिनत बलिदानों के बाद ये देश विदेशियों ने छोड़ा, लौह पुरुष ने लोहे सा अखंड बनाया भारत, आजादी की नींव पर खड़ी हुई ये भव्य इमारत, तभी आजादी ने कहा, मैं मंजिल नहीं राह हूं, अभी तो मैं शुरुआत हूं। आधुनिक भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई, उनके एक एक कदम के साथ देश ने एक छलांग लगाई। सपेरों का देश जिसे कहते थे, वही पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचा। मेक इन इंडिया, इन तीन शब्दों ने दुनिया में हमारा नाम किया ऊंचा। आज हर घर में बिजली है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, हर जेब में डिजिटल पहचान, हर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट, हर रसोई में स्वच्छ ईंधन और हर आवास में इज्जत घर है। स्वच्छता और योग नए भारत के संस्कार हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। अंग्रेज कहकर गए थे, हमारे जाने के बाद देश तुम्हारा बिखर जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने कि भारत विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में निखर जाएगा। आज भारत एक है, अखंड है और सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया। आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। आइए इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। भा